तो स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। आज है रामनवमी, तो रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं हूं अभी अयोध्या में, अभी निकल के मैं आपको दिखाऊंगा यहां का क्या माहौल है, क्या क्रेज है रामनवमी का। बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। कल रात में इधर मैं पहुंचा था 11 बजे के आसपास, और आया तो फिर रूम कुछ नहीं मिला था, सारी धर्मशालाएँ बुक, सारे होटल बुक। तो बाद में बड़ी मुश्किल से ढूंढते ढूंढते 12 बजे रात में एक रूम मिला। और ये जो रूम मिला है, ये एक स्कूल है, पब्लिक स्कूल है कोई, तो यहाँ पे रूम मिला है। तो चलो बस निकल रहा हूँ, नहा वहा लिया मैंने, और आज बड़ी सुबह ही 6:30 बज रहे होंगे, 7:15 हो गया होगा। रूम दिखा देता हूँ एक बारी, और ये है रूम। सचिन भी आया, मैं सचिन आया, दोनों। ये मिला भाई, यही एक रूम मिला था पूरे अयोध्या में ढूंढने पर। अभी चलते हैं नीचे। और ये जो रूम पड़ा था भाई, 1200 रुपए का पड़ा था यार, बहुत महंगा पड़ा। और कम भी नहीं हुआ था क्योंकि रूम्स अवेलेबल नहीं थे, तो इसीलिए और महंगा दे रहे थे। राम राम दादा। किधर, सरयू घाट इधर ही जाना है? सरयू घाट तो उधर जाना था। उधर इधर कुछ है कि नहीं? इधर कहाँ, इधर नहीं है, सीधा निकल यही जाइए ना सरयू घाट। ठीक ठीक, धन्यवाद। हाँ हाँ, इधर से हाथ हो रहे हैं। सरयू घाट इधर ही है क्या? सरयू घाट इधर ही है। तो गूगल मैप में जो रास्ता दिखा रहा है घाट पहुंचने का, वो नहीं यूज कर रहा हूँ मैं, जिधर से लोकल्स आ जा रहे हैं, क्योंकि उधर बहुत ज्यादा भीड़ है। तो इधर पीछे से निकल रहा हूँ, और हमारा होटल भी काफी पीछे था मेन जगह से। वैसे नहा लिया है हम लोगों ने सुबह सुबह ही, और शाम को देखेंगे, अगर शाम को हो सकेगा तो फिर एक स्नान और ले लेंगे सरयू नदी में। पूरी तरह से बंद है, कोई भी साधन नहीं आने दे रहे हैं, सिर्फ पैदल आ सकते हैं। और धीरे धीरे कुंभ वाला माहौल नज़र आ रहा है अभी अभी, जबकि हम लोग बहुत पीछे हैं। जैसे थोड़ा आगे पहुँचेंगे ना, जो मेन स्पॉट्स हैं वहाँ पर तो ज़बरदस्त भीड़ है भाई। कल धर्मशालाओं में लोग बाहर तक, गेट के बाहर तक, सड़कों तक चादर बिछा के सो रहे थे। चप्पल 50 रुपया लेना है मुफ्त में। यहाँ भीड़ देखो भाई, अभी हम लोग चल रहे हैं राम की पैड़ी। वहाँ पे एक चौराहा मिला है, नाम नहीं पता मुझे अभी इसका। तो आ गया हूँ मैं जहाँ आना था, ये राम की पैड़ी। बार बार हर की पैड़ी याद आ रहा, हरिद्वार कई बार गया हूँ इसीलिए, और यहाँ अयोध्या पहली बार आया हूँ। जिस तरह हरिद्वार में हर की पैड़ी है, उसी तरह यहाँ अयोध्या में राम की पैड़ी है। बहुत सारे घाट बने हैं, घाटों की एक श्रृंखला लगी है, सीरीज बनी है। जैसे ये देखो, ये सामने वाला घाट नंबर 18 है, वो घाट 17 है, उसके पीछे घाट 16, इसी तरह से बहुत सारे घाट बने हैं इधर। यहाँ जो सरयू का जल है वो थोड़ा मटमैले रंग का है, ना ज़्यादा साफ है ना ज़्यादा गंदा है, और गहरा बिल्कुल भी नहीं है, पक्का घाट है, एक लेवलिंग की गई है। यही है भाई राम की पैड़ी। नीचे उतर आया हूँ मैं, अभी तक ऊपर था। चेंजिंग रूम नहीं बने हैं, सब ऐसे ही ओपनली चेंज कर रहे हैं कपड़े। और यहाँ देखिए ऊपर ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है, ये देखो उड़ रहा है। राम की पैड़ी से होने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं नया घाट की तरफ, देखते हैं उधर क्या है। आ गए हैं अभी नया घाट पे, और ये कच्चा घाट बना है हर की पैड़ी की तरह, सॉरी राम की पैड़ी की तरह, पक्का नहीं है।
रास्ते में अभी ये पड़ा है और तुलसी उद्यान नाम है इस जगह का, पार्क जैसा है और तुलसीदास जी को समर्पित है। नया घाट के बाद अब हम लोग चल रहे हैं जो राम मंदिर बन रहा है, जो निर्माण हो रहा है वहाँ पे, देखने की कितना बना है कितना नहीं बना। तो रास्ता बड़ा घुमा के है, जो 1.5 किलोमीटर था उसी को घुमा के भेज रहे हैं, भीड़ ज़्यादा हो गई है तो 2.5 से 3 किलोमीटर चलना पड़ेगा। गेट खुला है और अभी हम लोग खड़े हैं। तो सामने जो दिख रहा वही है हनुमान गढ़। धक्का नहीं भाई, धक्का नहीं भैया, धक्का मारो, धक्का मारो। ये भीड़ देख रहे हो भाई, ये हनुमान गढ़ी के पास, यहाँ पे शिफ्ट में भेज रहे हैं, कुछ लोगों को भेज रहे हैं, जब वो दर्शन करके वापस आ रहे हैं तब फिर आगे खोल रहे हैं गेट। चलो आ गए हैं हम लोग मंदिर के पास एकदम, और अब ऊपर जा रहे हैं। यही है हनुमान गढ़ी का मंदिर और दर्शन हो गए हैं। तो हनुमान गढ़ी के बाद अब हम लोग चल रहे हैं राम जन्मभूमि और कनक भवन की तरफ। जितनी ज़्यादा भीड़ थी वो उधर ही थी, हनुमान गढ़ी के पास ही, इधर थोड़ा कम है। तो अभी वापस आ गया हूँ मैं वहाँ से, हनुमान गढ़ी से, और जो राम जन्मभूमि थी तो वहाँ 12 बजे बंद हो जाता है और उसके बाद दोपहर में 2 या 3 बजे खुलता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं जा सके, टाइम हो गया था। तो आ गए हैं इधर और भीड़ तो हद से ज़्यादा थी भाई, और हनुमान गढ़ी जाने में दुगना समय लगा। एक बार गए और उसके बाद दोबारा जूते वहाँ उतार दिए थे, तो जूते लेने के लिए फिर से 3 किलोमीटर घूम के जाना पड़ा, तो 7-8 किलोमीटर हो गया है आज का। और बाकी राम जन्मभूमि अभी शाम को जाएंगे, देखते हैं ओपन होता है जब, तो 3 बजे के आसपास खुल जाएगा। तो चलो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और अगली वीडियो में आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी, तब तक के लिए गुड बाय।